आज से दो महीने पहले मैं अपने रूटीन में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था आई वॉज मेकिंग प्रोग्रेस मैं रोज़ जिम जा रहा था आई वॉज वर्किंग ऑन माई यूट्यूब सब कुछ हो रहा था अच्छे से हो रहा था जर्नलिंग मेडिटेशन ब्रेन स्टोमिक सब कुछ हो रहा था अच्छे से बट एक संडे आया संडे को मेरे पे कुछ करने को था नहीं सो so मैंने क्या किया आई ओपन इंस्टाग्राम एल्गोरिज्म ने मेरे को पकड़ लिया उसके बाद मैं स्क्रॉल करते गया फॉर लाइक वन आवर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ इंस्टाग्राम डिलीट किया मैंने आई ट्राई टू वर्क बट भाई हो नहीं पा रहा था मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं इसी टी वी पर यूट्यूब चला के बैठ गया वॉज वॉचिंग रैंडम पॉडकास्ट नीड नहीं थी रैंडम पॉडकास्ट देखने की बट आई स्टिल वॉच द तो पॉडकास्ट मैं अपने काम को इग्नोर कर रहा था एंड था। मैं पॉडकास्ट देख रहा था इमेजिन कितना स्टूपिड डिसीजन है वो पूरा दिन ऐसे ही गया मैं अपने को डिस्ट्रैक्ट करते गया वीडियोज़ देखते गया फालतू फालतू वीडियोज़ आफ्टर अवाइल्ड पॉडकास्ट भी देखना बंद कर दिया मैंने आई स्टार्ट वॉचिंग ब्रेन रॉटिंग कॉन्टेंट उसी संडे ने आने वाला मंथ बिगाड़ दिया मेरा जब मैं पूरा कंसिस्टेंट होता हूँ जब तुम पूरे कंसिस्टेंट होते हो एंड तुम्हारे दिनों में एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो तुम्हारे पूरे रूटीन की वाट लगा देती है तुम्हें रूटीन ठीक करने में दिक्कत होती है यू थिंक कि मेरी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है ऐसा लगता है कि यार जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो हो नहीं रही हैं मेरा दिमाग बस एक स्लेव बन चुका है वो डोपमिन के वजह भाग रहा है मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग को कोई और चीज़ कंट्रोल कर रही है एंड ये सेम चीज तुम्हारे साथ हो रही है राइट right नाउ तुम्हारे पे तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है इमेजिन प्रो तुम्हारा दिमाग पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है समबड़ी एल्स इज कंट्रोलिंग यू ब्रेन राइट नाउ यू हैव टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ अगर ये चीज़ नहीं करोगे तुम्हारा रूटीन कभी ठीक नहीं होगा यू विल नेवर डू योर वर्क यू विल नेवर बी सक्सेसफुल ऑनेस्टली क्योंकि देखो एक सक्सेसफुल ईयर के लिए तुम्हें क्या करना होता है बारह सक्सेसफुल मंथ एंड बारह सक्सेसफुल मंथ के लिए तुम्हें क्या करना होगा एक महीना सक्सेसफुल बनना पड़ेगा तब जाके दूसरा महीना होगा एक महीना सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा एक हफ्ते को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा एक हफ्ते को सक्सेसफुल बनाना है तो तुम्हें क्या करना होगा एक दिन को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा फिर जाके सात दिन होंगे एक दिन को सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा अपने रूटीन को मास्टर करना होगा अपने मॉर्निंग रूटीन को मास्टर करना होगा मॉर्निंग रूटीन कैसे बनाते हैं दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट हाँ इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कि हाउ टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ जो तुमने अपनी कंट्रोल किसी और को दे रखा है ना वो कंट्रोल तुम वापस कैसे ले सकते हो क्योंकि भाई दुनिया में तुम एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हो दैट इज़ यू इन रियलिटी तुम बस एक चीज़ को कंट्रोल करते हो वो है तुम्हारा दिमाग तुम खुद को कंट्रोल करते हो बट अभी इन दिस डे एन एज तुम वो कंट्रोल भी छोड़ रहे हो वो कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ से निकल रहा है सो आई एम हियर टू टेल यू कि भाई वो कंट्रोल हाथ से नहीं छूटना चाहिए जैसे तुमको ये फील होता है ना कि भाई मेरा रूटीन फकअप हो गया है मेरा दिन फकअप हो गया है मैं बहुत दिनों से कंसिस्टेंट हूँ मैंने बैड हैबिट्स करनी चालू कर दी है जब तुम्हें ये चीज़ फील होती है ना तुम्हें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा बहुत लोग क्या करते हैं दे डू हिट एंड ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल इज़ गुड दिक्कत नहीं हिट एंड ट्रायल में बट भाई कंट्रोल देने का ना एक प्रोसीजर होता है जो मैंने खुद रिसेंटली डिस्कवर किया एंड आई विश कि मेरे को ये प्रोसीजर किसी ने बस दे दिया होता जैसे अभी मैं दे रहा हूँ तुम्हें आई वुड हैव लिटरली पेड फॉर इट क्योंकि मेरा इतना टाइम बचता था एकदम से कंट्रोल में आया था एकदम से कम बैक होता था एकदम से रूटीन में वापस आया था एंड वो चीज़ इतना टाइम बचाती है वो चीज़ इतनी एनर्जी बचाती है आई डोंट हैव टू ट्रायल राइट नाउ यू लिटरली गेटिंग इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड बी पेइंग फॉर बी ग्रेटफुल कॉमेंट में जाके बी ग्रेटफुल लिखो एनी वेज प्रो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज जोनर नाट लाइक कि आज मैंने क्या किया आज मैंने ये किया नहीं राइट डाउन हाउ डू यू फील वेन यू लूज मोटिवेशन वे ड्यूर नॉट डिसिप्लिन राइट डाउन मैं क्या फील कर रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा feeling, matter, क्या है वॉट फीलिंग्स आई एम आई फीलिंग एम आई फीलिंग हॉर्नी आई एम आई फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एम आई फीलिंग सैड और एम आई फीलिंग टू हैप्पी एम आई फीलिंग वॉट एवर यूर फीलिंग जस्ट राइट दैट डाउन डॉ मैटर क्या इमोशन है उसको लिखो एंड राइट डाउन द रीज़न क्यों भाई आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज आई डोंट नो डोंट राइट दैट आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज एक्स वाई जेड हुआ है पिछले महीने एक्स चीज़ हुई है उसके बाद वाई चीज़ हुई है राइट दैट डाउन स्पेसिफिकली चीजें लिखो आई एम फीलिंग हॉनी बिकॉज आई हॉन बिकॉजिंग ऑन इंस्टाग्राम फॉर द पास्ट टू मंथ्स अगर तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है लिखो डोंट शाए अवे अपनी जर्नल में अपनी नोटबुक में तुम्हें कंप्लीटली ऑनेस्ट होना है अगर तुम अपने आप से झूठ बोलोगे तो भाई कोई पॉइंट ही नहीं है एंड तुम्हारी कोई जर्नल पढ़ने आएगा नहीं कोई ऐसी जगह रखना कोई पढ़े ना तुम्हारी जर्नल बस एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारी सो so, उससे कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है बी हंड्रेड परसेंट ऑनेस्ट विद योर जर्नल क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन फुली ट्रस्ट अब अगर देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया एंड एम पर्सनली गाइडिंग यू कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम मेरे को नहीं बताओगे हंड्रेड परसेंट बट इन फ्रंट ऑफ अ पेपर ब्रो यू कैन राइट डाउन एनी थिंग लिटरली दैट पेपर वोट जो अचू दैट पेपर वोंट थिंक अबाउट यू तुमने एक वो सुना है ना द पेपर इज मोर पेशेंस दैन अ मैन बाय एनी फ्रेंक था शायद दैट इज ट्रू तुम किसी बंदे के सामने अपनी सारी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते अपने सारे थॉट्स शेयर नहीं कर सकते बट इन फ्रंट ऑफ अ पेपर ब्रो यू कैन राइट एनी थिंग यू कैन राइट बुलश इट इफ दैट मेक्स यू फील बेटर सो फर्स्ट थिंग इज राइट डाउन वॉट यूर फीलिंग क्यू वॉट वॉट हैपन्ड जिससे ये चीज़ हुई है रूटीन क्यों फ़कअप हुआ है जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि भाई मेरा रूटीन अच्छा चल रहा था बट वो संडे को कुछ करने को था नहीं सो so उसका फिक्स क्या हो सकता है मे बी इन संडे आई गेट न्यू हॉबी लेट्स से बैडमिंटन लेट्स ए स्विमिंग इन द मॉर्निंग्स आई शुड गो स्विमिंग या फिर रनिंग आई शुड इंडल्ज इन न्यू हैबिट इन अ न्यू हॉबी जिससे मेरा संडे ऑक्यूपाई हो जाए जिससे मेरे पास कुछ करने को आ जाए सो आई डोंट जस्ट सिट ऑन माई बर्ड एंड स्क्रोल ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ज़ की जब मैंने लिखा उसको पेपर में जब मैं उसको लिखता नहीं ना वो मेरे दिमाग में आता नहीं ये मत सोचना कि हाँ मैंने सोच लिया आई हैव थिंक अबाउट इट एंड मैं लिखूंगा नहीं ब्रो उससे कुछ होने नहीं वाला सिग्निफिकेंट नहीं है वो चीज जब तुम सोचते हो चीज़ें वो थोड़ी देर बाद अपने दिमाग से निकल जाती हैं बट वेन यू सिट डाउन एंड रैट इट ऑन अ पेपर उसकी सिग्निफिकेंट बनी रहती है वो इम्पैक्टफुल होता है वो तो मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि हाँ भाई मैं इन्हें गलती की थी बट इट इज़ नॉट इम्पैक्टफुल जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग ज़्यादा इम्पैक्टुल नहीं है इफ़ यू वॉन्ट योर एक्शन टू बी मोर इम्पैक्टफुल यू हैव टू राइट दैट डाउन तुमने अपनी मिस्टेक्स को लिखना यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ क्यों हुई है कैसे हुई है किसकी वजह से हुई है मोस्टली तुम्हारी ही गलती है एंड यू हैव टू कॉल यूर सेल्फ आउट जब तक तुम ये चीज़ नहीं करोगे तब तक तुम इम्प्रूव नहीं करोगे दैट इस गारंटी अभी मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ जब तुम जर्नल नहीं करते जब तुम ये चीज़ें नहीं करते तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ऐसा होता है बट जब तुम जर्नल करते हो जब तुम चीज़ें लिखते हो पेपर पे यू क्लियर योर माइंड तुम्हारा दिमाग ऐसे बन जाता है ये इंटाइंगल होके सीधा बन जाता है एंड तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ऐसा रहे गुत्था बन के रहे या फिर एक क्लियर गोल हो डिफाइन होए क्लैरिटी मिले ऑफ कोर्स यू वांट क्लैरिटी नाइनटी परसेंट ऑफ थिंकिंग की आई एल टाइप इट ऑन माई लैपटॉप या फिर मैंने सोच लिया है एंड आई डू इट इन द इवनिंग शेम तुम अपने लिए इतना छोटा एक्शन नहीं ले सकते सच अ शेम ये दिखाता है तुम अपनी कितनी इज्जत करते हो अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना दो अपनी जर्नल में लिखो कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ जब मेरा रूटीन पूरा फकअप हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ वट एम आई डूइंग मैं मॉर्निंग्स में क्या कर रहा हूँ मैं इवनिंग में क्या कर रहा हूँ मैं आफ्टरनून में क्या कर रहा हूँ मैं सोने से पहले क्या कर रहा हूँ सारी चीज़ें स्पेसिफाई करो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट तुम्हें अगर दुनिया को कांकर करना है तुम्हें अगर कॉम्पिटिशन को हराना है तो मैं सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा तुम पहले खुद कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे तुम दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की ऐसे सोच रहे हो क्लैरिफाई कि मैं क्या करता हूँ एंड क्यों करता हूँ जब तुम ये करोगे क्लैरिटी मिलेगी एंड क्लैरिटी इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्रायरिटाइज एंड रिमूव अभी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई मेरे पे एनर्जी नहीं है मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा मेरे दिमाग में भूसा क्यों भर रखा है वाई डू आई फील टाइर्ड प्रो वाई आई चेसिंग चीसिंग टोप मी तेनों ये चीज़ क्यों होती है बिकॉज तुम फालतू चीज़ों को प्रायरिटी देते हो जब तुम एक लिस्ट बनाओगे कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ लेट्स एफ्टरनून मेंजन मैटर लिख ला लो जब तुम वो चीजें करोगे ना तुम्हें पता लग जाएगा यार मैं किस चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा हूँ जो हमेशा तुम्हारे सर में दर्द होता है तुम टायर्ड फील करते हो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट कि इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ओनली मे बी तुम्हारे लिए कुछ और होगा वो तुमको पता होगा जब तुम उसको लिखोगे अच्छे से तुम अपनी एनर्जी फालतू तो चीज़ों में डाल रहे हो हम जर्नल जर्नलिसे कर रहे हैं क्योंकि हमें पता लगेगा कि हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है जब तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ मेरी एनर्जी ये फालतू तो चीज़ों में जा रही है ये ऐसी चीज़ों में जा रही है जो मेरे को रिजल्ट भी ला के नहीं दे रहे जो मैं मीडिया पर काम कर रहा हूँ लेट से को चेंज कर रहा हूँ लेट से अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहा हूँ मैं इन जगहों पर अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मेरे को लाइक मेजर रिजल्ट नहीं लाएंगे अगर मेरा काम यूट्यूब है तो मेजर रिजल्ट्स कैसे आएंगे By scripting a video and making a video, I'm not focusing on that. I'm focusing on bullshit. Then results देन रिजल्ट नहीं आएंगे तुमने गलत चीज़ों को प्रायरिटी दे रखी है उस नोटबुक को देखो चीज़ें ऐड करो चीज़ें हटाओ एंड सोचो कौन कौन सी चीज़ें मैं अपने दिन से रिमूव कर सकता हूँ एंड किन चीज़ों को मैं प्रायरिटी दे सकता हूँ अपने लिए अपना रूटीन रिकन्स्ट्रक्ट करो नोटिस कि भाई प्रीवियसली मेरा रूटीन कैसे फकअप हुआ एंड वो एक गलती को अपने दिन से निकालो उन चीज़ों को निकालो जो तुम्हारा दिमाग खा रही है प्रायोरिटी उन चीज़ों को दो जो तुम्हें रिजल्ट ला देंगी रिजल्ट क्या ला देंगी वीडियो बनाना एडिट करना स्क्रिप्टिंग करना रिसर्च करना नॉट रिप्लाइंग टू अ कॉमेंट नॉट वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो उन चीज़ों में प्रायोरिटी डालो जो एक्चुअली में तुम्हें रिजल्ट ला देंगी एंड उन चीज़ों को हटाओ जो तुम्हें रिजल्ट ला नहीं दे रही जो बस वहाँ पर है टू टेक योर एनर्जी टू टेक योर टाइम ये सारी चीज़ें तुम सोच के नहीं कर सकते ये सारी चीज़ों को तुमको लिखना ही होगा यू हैव टू रिकन्स्ट्रक्टेड वापस से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उल्टा तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा जाएगी अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे थर्ड थिंग री द प्लान री द रूटीन क्रिएट अ वीकली प्लान कि भाई इट्स टाइम फॉर अ कम बैक अब मेरे को एक हफ्ते में अपने आपको टॉप नॉच बनाना है अपने आपको वापस से कंसिस्टेंट बनाना है एक बहुत यूजफुल हैबिट जो तुम कर सकते हो वो है अपने वीक्स को प्लान आउट करो लिटरली अगर ऐसा दिन तुम्हारे है वीक में कि जब तुम कुछ करते नहीं हो तुम्हारे पास कुछ करने को है नहीं वन थिंग यू कुड डू इज ग्रैब अ नोटबुक एंड जस्ट प्लान आउट यू वीक मैं इस हफ्ते में मेरा कॉल क्या है इस हफ्ते में मैं क्या करूँगा इस हफ़्ते में मेरा डेली रूटीन क्या होगा मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होगा वट इफ आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ए न्यू हैबिट वट इफ एम ट्राइंग टू टू रनिंग तो मैं मॉर्निंग में करूंगा या इवनिंग में करूँगा वट इफ एम ट्राइंग टू चेंज माई जिम टाइमिंग्स क्या मैं सुबह जाऊंगा या फिर शाम को जाऊंगा वट इफ एम वॉकंग एट अम वम गोइंग टू अ कैफे एंड वॉकिंग वट एव यू वॉन्ट टू ट्राई अपने वीक में डालो कि भाई क्या करूंगा मैं एंड ऑल्सो रिमूव ऑल ऑफ द शिट थिंग्स जो है इंस्टा यूट्यूब फ्रॉम योर फोन इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एंटरटेनमेंट वीडियोज वॉच अ पॉडकास्ट ग्रेन को ना डेकोरेट करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये चीज़ यहाँ जाएगी वो चीज़ वहाँ जाएगी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए लाइक ऑब्वियसली परफेक्ट तो तुम हो नहीं सकते तुमने जैसा वीक प्लान किया है वो वीक वैसा ही बिल्कुल जाएगा ही नहीं आई एम श्योर ऑफ देट चेंजेज आएंगे बट हाँ एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में एक प्लान रहेगा नाइनटी परसेंट ऑफ दीपल देवन हैव अ प्लान इमेजिन तुम पे एक प्लान आ गया है तुम कितने आगे निकल जाओगे उनसे तुम बहुत तब आगे निकल जाओगे बिकॉज तुम्हें पता है यार क्या करना है मीन वाले दोस्त गाय कुछ नहीं पता क्या करना है भाई क्या करना है भाई बता दो क्या करना है जब तुम ऐसे बंदे होते हो ना तुम्हें लिटरली बताया जाता है कि क्या करना है बिकॉज प्रो यूर नॉट योर ओन बॉस अगर तुम खुद के बॉस नहीं हो तुम्हारा कोई और बॉस बनेगा तुम खुद कोई काम नहीं करते तुम्हें कोई और काम साइन करेगा अगर तुमने अपना खुद का रूटीन नहीं बना रखा तुम्हें और कोई बंदा आके रूटीन देगा जो तुमको फॉलो ही करना पड़ेगा जैसे स्कूल में नहीं होता टाइम टेबल फॉलो करो टीचर की बात सुनो हॉलीडम वक्कर बात सुन ज़्यादा मत बोल वैसे बनोगे तुम बिकॉज यू आर नॉट योर ओन बॉस यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट यू हैव टू क्रिएट अ रूटीन फॉर योर सेल्फ रूटीन बनाने से हमारा फ्रिक्शन बहुत कम हो रहा है हमको मेंटल थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है जब तुम अपने दिमाग को टाइम देते हो ना सोचने के लिए तुम्हारा दिमाग फालतू ये सोचता है ये करूँ वो करूँ आज शाम को जिम जाऊँगा नहीं सुबह जिम जाऊँगा अभी क्या करूँ रीड करूँ नहीं नहीं आज जिम चले आता हूँ अपने दिमाग को सोचने का वक्त मत दो जस्ट राइट दैट डाउन हाँ मेरे को ये करना है अब मेरे फ़ोन में टाइम टेबल है आई नो कि मेरे को अभी क्या करना है आई नो आई हैव टू रिकॉर्ड राइट नाउ बिकॉज मेरे टाइम टेबल में लिखा हुआ है आफ्टर दैट आई हैव टू ईट माई फूड मेरा खाना बन रहा है अभी मेरे रूटीन में लिखा हुआ है कि भाई रिकॉर्ड करने के बाद आई बिल इट इट हैज़ बिन रिटर्न ऑलरेडी मेरे को पता है क्या करना है तुम जो अभी वीडियो देख रहे हो उसके बाद क्या करोगे तुम तुम्हें पता है? अगर नहीं पता दैट मीन्स तुमने अपने लिए एक शेड्यूल नहीं बना रखा तुमने अपने लिए एक टाइम टेबल नहीं बना रखा एंड डोंट आस्क कि भाई टाइम टेबल कैसे बनाते हैं टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है पेपर में बना लो या फिर फोन में बना लो गूगल कैलेंडर्स एपल कैलेंडर्स वट एवर यू यूजिंग शेड्यूल इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट रिड्यूस द फ्रिक्शन जितना फ्रिक्शन तुम कम करोगे उतना बेटर रहेगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग को सोचने का वक्त नहीं मिलेगा यू विल जस्ट ऑटोमेटली स्टार्ट डूइंग द गुड हैबिट यू विल ऑटोमेटली स्टार्ट डूइंग यू वर्क बिकॉज इट हैज़ मिन रिटन इन माई शेड्यूल मेरे रूटीन में लिखा है सो आई हैव टू डू इट दैट इज द बेस्ट वे टू गेट बैक इन टू फ्लो यू नो ना फ्लो स्टेट जब तुम एक चीज को सेम टाइम पर कर रहे हो हर दिन कर रहे हो इट गेट्स वे ईजियर टू एंटर फ्लो स्टेट जब तुम अपना शेड्यूल बनाओगे मेक श्योर sure कि तुम एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर रहे अपने पूरे दिन को अच्छी हैबिट से भर दो अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाओ लिटरली बी हंड्रेड परसेंट प्रोडक्टिव आई आर नॉट से नाइन्टी परसेंट और फिफ्टी फिफ्टी होना चाहिए भाई बैलेंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए बैलेंस बैलेंस इज फॉर एवरेज आई डॉन्ट टू लिव अ बैलेंस लाइफ आई डॉन्ट टू गेट बैलेंस रिजल्ट मेक हंड्रेड परसेंट ऑफ यूर डे प्रोडक्टिव डो वॉट बैलेंस यू सर भाई पचास परसेंट प्रोडक्टिव बनूंगा पचास परसेंट अनोडक्टिव बनूंगा नो दट इज अ वीक माइंड सेट डो वॉन्ट टू बी प्रो बी हंड्रेड परसेंट प्रोडक्टिव अपनी तो सारी बैड हैबिट्स को हटाना है ऐसा मत बोलना कि भाई एक बैड हैबिट तो रहनी चाहिए नहीं यू वॉन्ट टू हैव अ बैड हैबिट देन ठीक है ब्रो यू यू विल विल नेवर नेवर इन द टॉप वन परसेंट एंड इट्स ओके आई एम नॉट जजिंग यू तुम्हारी चॉइस है बट मेरे को रूथलेस बनना है जो मेरे व्यूअर्स होते हैं सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको रूथलेस बनना है सो दे हैव टू रिमूव एवरी बैड हैबिट हैव टू मेक पर डे प्रोडक्टिव बिकॉज आई नो वो लोग कर सकते हैं अगर मैंने लग रहा है कि भाई नहीं होगा पॉसिबल नहीं है श्योर ब्रो

नाइटली रूटीन पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाना है यू हैव टू रिमूव एवरी सिंगल बैड हैबिट दैट यू हैव राइट बैलेंस लाइफ आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन बैलेंस अब देखो भाई परफेक्ट नहीं होगा हंड्रेड परसेंट परफेक्ट नहीं होगा तुम गलतियाँ बनाओगे एंड जब तुम्हारा फ्लो टूटेगा वापस नोटबुक खोलो वापस जर्नल करो वापस ब्रेन स्ट्रॉमिक करो बिकॉज यू आर नेबर परफेक्ट आई एम नेवर परफेक्ट मैं बहुत गलतियाँ बनाता हूँ मेरा रूटीन बहुत बार टूटता है बट मेरे को कोई स्ट्रक्चर प्रोसेस नहीं पता था आपने रूटीन को ठीक करने का बट नाउ आई नो एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है एंड इससे मैं इतनी जल्दी वापस रूटीन में आ सकता हूँ इतनी जल्दी फ्लो में आ सकता हूँ बिकॉज अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे जो भी, भी तुम्हारा गोल है लेट से तुम्हारा गोल है हैसेटिक फिजिक बनाना तुम वो अचीव नहीं कर पाओगे यू विल नेवर बी एबल टू अचीव दैट बिकॉज उसके लिए भी रूटीन चाहिए होता है उसके लिए भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है यू विल स्टे फैट फॉर यू विल स्टे स्किनी ही फॉर तुम इंप्रूवमेंट्स नहीं बनाओगे तुम बोलते रहोगे भाई जिम तो जाता हूँ बट होता तो कुछ है नहीं एंड यू नो क्यों नहीं होता जिम की गलती नहीं है ये मत बोलो जिम जाने से कुछ होता नहीं है वैसे भाई अगर तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर भाई किसी भी रीजन से जिम नहीं जाते तुम्हें घर पे ही एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है तुम्हें होम वर्कआउट्स करके ही एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है यू वांट टू गेट इनटू टू केलेस्थेनिक्स एंड बिल्ड अ गुड लुकिंग फिजिक अगर तुम्हारा गोल ये है ब्रो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द कम्युनिटी जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा एक एथेटिक फिजिक तुम घर पे कैसे बना सकते हो बाय डूइंग कैलेस्थेनिक्स एंड होम वर्कआउट्स एनी वेज मैन दैट फॉर द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर एंड टेक एक्शन